नमस्कार जय गणेश। आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब का चैनल एस्ट्रोलॉजर नरेश। आज का वीडियो है राशि चक्र की आठवीं राशि जल तत्व की राशि वृश्चिक राशि वाले जातकों के लिए जनवरी 2020 कैसा रहेगा इसके बारे में आपको बता दें कि ये प्रिडिक्शन चंद्र राशि आधारित है। जन्म कुंडली में चंद्र यदि 8 नंबर के अंदर लिखा है तो आपकी राशि वृश्चिक है और ये प्रिडिक्शन आपको असर करने वाला होगा। कोई भी साल के अंदर आपका जन्म 15 नवंबर से लेकर 14 दिसंबर के बीच में हुआ है और जन्म के सूर्य भी आपके वृश्चिक राशि में है तो भी ये प्रिडिक्शन आपको असर करने वाला होगा। और यदि आपके जन्म के सूर्य चंद्र दोनों वृश्चिक राशि में है तो ये प्रिडिक्शन आपको बहुत ज़्यादा असर करने वाला होगा। तो स्टार्ट करते हैं, सबसे पहले श्री गणेश जी का ध्यान करते हैं। जय गणेश। ऑल डियर फ्रेंड्स, आप जहाँ भी रहो खुश रहो, प्रसन्न रहो, हेल्दी रहो, ऐसी शुभकामना के साथ नए साल की बहुत बहुत शुभकामनाएं 2020 की आप सबको। यदि आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ में जो बेल का बटन है उसको भी प्रेस कर दीजिए ताकि चैनल से जो भी नए वीडियो अपलोड होते हैं इसकी आपको तुरंत जानकारी मिले। तो आपको बता दें, सबसे पहले आपकी राशि के अधिपति जो हैं वो मंगल हैं, वो आपकी राशि के अंदर चल रहे हैं। जनवरी 2020 के अंदर आपकी राशि के अंदर चलने वाले मंगल आपकी मेंटल स्ट्रेंथ को मजबूत करने वाले बनेंगे। आपका जो जन्म के चंद्र के ऊपर मंगल का चलना, ये लक्ष्मी योग कार का भी होगा तो आपके जो माइंड है वो भी मजबूत होगा। और गोचर ट्रांजिट में मंगल लक्ष्मी योग कार का बनते हैं जिसके कारण कहीं ना कहीं से आपको फाइनेंस का बेनिफिट मिलने वाला है, आपके ब्लड रिलेटिव्स की ओर से बेनिफिट मिलने वाला है। ब्लड रिलेटिव्स बोले तो भाई बहन, माता पिता, ये सब की ओर से भी आपको बेनिफिट मिल सकता है। तो मंगल का जो ट्रांजिट है आपके लिए शुभ फल देने वाला होगा जनवरी 2020 के अंदर। हाँ, एक चीज़ है कि मंगल आपकी राशि के अंदर चल रहे हैं जिसके कारण थोड़ा सा टकराव आपका हो सकता है, माता के साथ भी हो सकता है और आपके पार्टनर के साथ भी हो सकता है, तो उसको आपको थोड़ा केयर करना होगा। प्रेडिक्शन में अभी बात करेंगे ग्रह मंडल के राजा ग्रह सूर्य ग्रह की ट्रांजिट के बारे में। तो सूर्य का जो भ्रमण है वो 14 जनवरी 2020 तक आपकी राशि से दूसरे स्थान के अंदर है। सूर्य शनि गुरु केतु का जो कॉम्बिनेशन है धन स्थान के अंदर, कुटुंब स्थान के अंदर, ये आपके लिए ठीक नहीं है। 25 दिसंबर 2019 को होने वाला सूर्य ग्रहण आपके लिए कहीं ना कहीं फैमिली या तो फाइनेंशियल मैटर में प्रॉब्लम क्रिएट करवाने की संभावना रखने वाला है। तो वाणी में सेम बरतना होगा, खास करके कुटुंब के अंदर आँखों का विशेष केयर करना होगा। इसके साथ साथ आँख, कान, नाक, दांत इत्यादि अंगों का भी आपको विशेष केयर करना होगा। सूर्य राशि बदल के जाएंगे मकर राशि में 14 जनवरी 2020 को। तो ये जो ट्रांजिट है मिडनाइट को होती है, 15 की अर्ली मॉर्निंग को होती है मकर संक्रांति। तो संक्रांति का जो पुण्य काल है ये 15 की सुबह में होगा। 15 की सुबह में सूर्य उदय से लेकर सूर्य अस्त तक मकर संक्रांति का पुण्यकाल रहेगा। तो पुण्यकाल का विशेष महत्व क्यों है, क्योंकि मकर में जो सूर्य जाएंगे उसको उत्तर अयन बोलते हैं। तो उत्तर अयन में जो मकर संक्रांति का ये जो महत्व इसलिए है कि मकर संक्रांति में विशेष दान पुण्य का विशेष फल मिलता है। तो उसमें आप ज़्यादा से ज़्यादा मंत्र दान पुण्य करें 15 तारीख को तो उसका आपको विशेष शुभ फल मिलने वाला है। 15 जनवरी से सूर्य जो ट्रांजिट करेंगे आपकी राशि से तीसरे स्थान के अंदर, यानी कि आपके पराक्रम स्थान के अंदर, जो आपको नए साहस करवाएंगे, नए साहस से आपको लाभ करवाएंगे। ब्रदर सिस्टर रिलेशन से आपको बेनिफिट मिल सकता है, हालांकि थोड़ा सा डिस्टर्बेंस रुकावट आप महसूस करेंगे भाग्योदय में, क्योंकि भाग्य स्थान में सूर्य की पूर्ण दृष्टि है। तमाम उग्र ग्रह जो हैं इनकी जो दृष्टि होती है वो शुभ नहीं मानी जाती है। तो भाग्य स्थान में सूर्य की जो दृष्टि है आपके भाग्योदय में थोड़ा सा रुकावट करने वाली होगी 14 जनवरी 2020 के बाद।
एक अगत्य की ट्रांजिट और भी हो रही है इस मंथ के अंदर। 24 जनवरी 2020 को सूर्य का राशि परिवर्तन हो रहा है। 24 जनवरी 2020 को शनि का राशि परिवर्तन हो रहा है। शनि ग्रह राशि बदलेंगे, आपके धन स्थान से निकलकर चलेंगे आपके पराक्रम स्थान के अंदर। तो ये जो ट्रांजिट है आपके लिए शनि का शुभ फल देने वाला होगा। आपको जो साढ़े साथी चल रही हैं, ये साढ़े साथी में से आपको मुक्ति मिलने वाली है। तो शनि का जो ये ट्रांजिट है आपके लिए शुभ फल देने वाला होगा। रिगार्डिंग न्यू वेंचर्स, आप नए साहस कराएंगे, नए साहस से आपको लाभ रहेगा। तो अपकमिंग ट्रांजिट जो है शनि की मकर राशि में आपके लिए नए साहस में वृद्धि करने वाली होगी। तो ये ट्रांजिट आपके लिए बहुत शुभ है। और हाँ, एक चीज़ है कि 24 जनवरी के बाद जब शनि चलेंगे आपके पराक्रम स्थान के अंदर, तो कहीं ना कहीं जो कोई भी जातक शेयर सट्टा लॉटरी इत्यादि का कार्य कर रहे हैं, इनके लिए थोड़ा सा नेगेटिव बोल सकते हैं। संतान रिलेटेड सामान्य चिंता टेंशन बढ़ेगा, भाग्योदय में थोड़ा सा रुकावट महसूस करेंगे और खर्च आपके ज़्यादा रहेंगे, सेविंग आपका कम होगा पराक्रम स्थान में शनि आने के बाद। तो ये शनि का नेगेटिव इफेक्ट रहेगा। लेकिन रिगार्डिंग न्यू वेंचर, नए साहस करने के लिए शनि आपके लिए बहुत शुभ है 24 जनवरी 2020 के बाद। बड़े ग्रहों की ट्रांजिट में देखें तो गुरु ग्रह आपके धन स्थान के अंदर चल रहे हैं, जो फाइनेंस की रिक्वायरमेंट आपकी बढ़ाएंगे। राहु अष्टम स्थान में है, जो ठीक नहीं है। जो कुछ भी आप कार्य कर रहे हो पूर्ण मन लगाकर करो। जो कुछ भी काम कर रहे हो उसके अंदर ही आप समझो कि सीढ़ी चढ़ रहे हैं, सीढ़ी उतर रहे हैं, या चल रहे हैं, वॉकिंग कर रहे हैं, गाड़ी चल रहे हैं, ड्राइव कर रहे हैं, तो फुल कंसंट्रेशन के साथ जो कुछ भी आप काम कर रहे हो पूर्ण मन लगा कर करें। अन्यथा राहु अष्टम स्थान में एक्सीडेंट योग कारक माने जाते हैं। राहु का जो ट्रांजिट सितंबर 2020 तक है वो आपके लिए ठीक नहीं है। केतु आपके धन स्थान के अंदर है, केतु का भी नक्षत्र परिवर्तन हो रहा है, जो 15 जनवरी को केतु चलेंगे मूला नक्षत्र में। तो ये ट्रांजिट जो खास करके थोड़ा सा रिलैक्सेशन करने वाला होगा ज्येष्ठा नक्षत्र में जन्मे हुए जातकों को, जबकि वृश्चिक राशि में अनुराधा नक्षत्र में जन्मे हुए जातक के लिए ये स्ट्रेस वाले नक्षत्र में चलेंगे, टेंशन वाले नक्षत्र में चलेंगे, विपत नक्षत्र में चलेंगे। तो अनुराधा नक्षत्र वाले के लिए ठीक नहीं है केतु का ट्रांजिट। ज्येष्ठा नक्षत्र वाले जातकों के लिए ये थोड़ा सा शुभ फल देने वाला है। शुक्र ग्रह का ट्रांजिट कुछ इस प्रकार है। शुक्र जो है वो आपके पराक्रम स्थान के अंदर है 8 जनवरी तक, जो कि आपके लिए शुभ है, लव मैटर में सक्सेस देने वाले हैं। जबकि 8 जनवरी के बाद शुक्र चलेंगे चतुर्थ भाव के अंदर, तो ये ट्रांजिट भी शुक्र का चौथे स्थान में शुभ माना जाएगा। मकान वाहन सुख में वृद्धि करने वाला होगा। तो शुक्र का ट्रांजिट चौथे स्थान में आपको शुभ फल देने वाला होगा। 8 जनवरी के बाद मकान वाहन सुख, माता सुख, पिता सुख, ये सब सुख में वृद्धि करने वाला होगा। खास करके डेट्स कौन कौन से केयर करना है इस मंथ के अंदर वो इस प्रकार हैं। 1 तारीख को शुक्र, 1 तारीख को जो चंद्र है ये कुंभ राशि में चलेंगे, तो उसमें थोड़ा सा टेंशन क्रिएट हो सकता है। इसमें आपको कोई भी इम्पोर्टेंट डिसीजन नहीं लेना चाहिए। वंस अगेन आपको डेट टेक केयर करना है 8, 9 और 10, जिसके अंदर चंद्र चलेंगे मिथुन राशि में। तो मिथुन के चंद्र जो हैं वो राशि से अष्टम स्थान के चंद्र बनते हैं। अष्टम चंद्र राहु के साथ चलेंगे, जिसके इफेक्ट में आपको खास करके कोई भी इम्पोर्टेंट काम लाइफ का नहीं करना चाहिए, या तो इम्पोर्टेंट डिसीजन नहीं लेना चाहिए। नदी समंदर तालाब किनारे घूमने जाते हो तो पानी में अंदर ज़्यादा ना उतरे, व्हीकल ड्राइव में केयर करें, एवं फैमिली एवं फाइनेंशियल मैटर में ज़्यादा केयर करें। जो डेट रहेगा 8, 9 और 10, और वंस अगेन आपको डेट टेक केयर करना होगा 17, 18 और 19, जिसके अंदर चंद्र चलेंगे तुला राशि में। तो तुला के चंद्र जो है वो राशि से 12वें स्थान के चंद्र बनते हैं। 12वें चंद्र के अंदर भी आपको लाइफ का कोई भी इम्पोर्टेंट डिसीजन जल्दबाजी में नहीं लेना चाहिए। तो कुल मिला के क्या कहेंगे, इस मंथ का तात्पर्य क्या है? इस मंथ का तात्पर्य यह है कि जो
14 जनवरी तक का समय है रिगार्डिंग फैमिली एंड फाइनेंस रिगार्डिंग मैटर में आपको विशेष क्या करना होगा। 14 को जब सूर्य बदलेंगे उसके बाद आपको रिलैक्सेशन भी मिलेगा और आपको नए साहस करवाएंगे, आपको नए साहस से लाभ भी मिलने वाला होगा। आपके कोई मित्र हैं वृश्चिक राशि वाले तो ये वीडियो आप उनको जरूर शेयर करें। सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल, साथ में जो बेल का बटन है उसको भी प्रेस कर दीजिए ताकि चैनल से जो भी नए वीडियो अपलोड होते हैं इसकी आपको तुरंत जानकारी मिले।